हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो? मोस्ट वेलकम है सबका। और आने जा रही हूँ एक इतनी छोटी सी रेसिपी, और जो कि है साबूदाने की खिचड़ी। ये है साबूदाना, मूंगफली का दाना, अदरक, हरी मिर्च और दूसरा कुछ नहीं जाता है इसमें। और ये कर रही हूँ मैं आलू फ्राई, जो कि आलू फ्राई कर तो डाल। तो गाइस, मेरे ये आलू फ्राई हो चुके हैं। और ये मैं दिखाई नहीं शायद शुरू में, आलू के मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट रखे थे। और फ्राई करे हुए आलू साबूदाने की खिचड़ी में बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर किसी पेशेंट को बना रहे हो, क्योंकि पेशेंट के लिए भी बताते हैं ना, किसी की तबीयत ख़राब हो तो साबूदाने की खिचड़ी, तो फिर नहीं डालने आलू। अगर आप लोग वैसे खाने के लिए नॉर्मल बना रहे हो तब आपको डाल लेने हैं फ्राई करके, और बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है, हेल्दी डिश है ये। और उसके बाद मैंने तल लेती हूँ मूंगफली के दाना, और इसकी क्वालिटी मतलब थोड़ी ज़्यादा उसमें तल रही हूँ मैं दोनों चीज़ें। ये बच्चे ना नमक डाल के इसको ऐसे भी खाएंगे सूखे ऐसे ही, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और ये मेरा तैयार हो चुका है, तो बस मैं अब तड़का लगा देती हूँ। और मैं तो इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो देसी घी में बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो उसके बाद मैंने जीरा, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर सब एक ही में डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैं भून लेनी हूँ। और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे अलग से, केवल नमक जाएगा। बहुत जल्दी बन जाती है, और मैंने ये इवनिंग में बनाई थी, मतलब जिस समय हम चाय वगैरह बनाते हैं उस समय। तो बेटी क्लास ले रही थी तो बोल, उसे बस साबूदाना दिखा नहीं और उसने शुरू कर देती है कि खिचड़ी बना के दो, बल्कि और कुछ नहीं उतना ज़्यादा पसंद करती है, खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मैं उसको वही बना रही, फिर मैंने भी खाई और बाकी और लोगों ने भी खाई, घर में सब ने खाई, अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत लोग न्यू आते हैं पर बिना सब्सक्राइब किए चले ही जाते हैं भी आजकल चैनल से, तो प्लीज़ कर देना। और उसके बाद मैंने ये 2 घंटे पहले साबूदाना भिगो रखा था मसाला भुनने के बाद, तो बस सब चीज़ मैं ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा धनिया काट के डाल दूंगी। और बस साबूदाना को कम से कम 1.5-2 घंटा पहले ही भिगो देना है, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और एक सॉफ्ट सा बन जाए। और ये आलू और मूंगफली साबूदाना सब मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छे से, और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालूंगी। अगर मैंने पानी डाल दिया इसमें तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, नॉन स्टिक में तो नहीं चिपकता, इसमें चिपक जाएगा। उसके बाद में 5 मिनट बाद मैंने खोल के देखा तो ये बन चुका था। 5 मिनट में बस इसे ढक कर ऐसे ही छोड़ देना है, कम गैस कर देनी है एकदम स्लो, और बहुत अच्छे से बन गया है, एकदम खिला खिला बना है। अगर मैं इसमें पानी डाल देती तो ये चिपक जाता और अच्छा नहीं लगता देखने में ना ही खाने में। तो काफ़ी क्वालिटी इसकी अच्छी आई है। तो गाइस, मेरी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। आप चाहें तो दही, चटनी, सॉस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। और रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना वीडियो को। तो मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।